और बांधो अपन जो ये ना सवेरे धो डाल है धो डाल उसको तो कहीं ठीक है तो अम्मा जो है मतलब सास थी वो उसको पकड़ कर चीज में बांध ली और दिन अपने पतलिया का कहीं ऐसा ना सोए उठते लेकिन जब सोए उठते कुछ काम ना करेगा इस सारा गठनी के कपड़ा और जाके धो डाली कुआं पे जाके कहीं ठीक है अम्मा अब भैया वो काटी की गठी ले दिन अब कपड़ा ले दिन वो काटी ना आटा बांध ली अपने माँ आटा बांध ली और जो है आटा बांध ली होकर कहीं की अम्मा जाओ कपड़ा धोते वो धूप ला ली अच्छा आटा बांध ली कपड़ा तो फिर जहाँ वाले जबकि मुद्दा जलक रहा तो जलक रहा तो वही आटा वही बाहर जाओ कपड़ा वा खाता जा रहा है वही पानी लेकर सान ली और जो मुद्दा जलक रहा वही पे लिट्टी बना ली लिट्टी लिट्टी तो लिट्टी कर ली अगर अपन गए अपन सेक ले लेती अब महतारी बहुत परेशान कि हम कैसे पूजा करें अब बता नहीं करी कि हम लिट्टी खा लिया तो एक बोला वो धोबी देखे रहा इनका खाते तब कहीं कि अच्छा बच्चा कपड़े धो रहा है अच्छा आज हम चप्पल मारा नहीं पूजा कर रहे थे कहीं की कल तो बोला ना देर के मारे तो कहीं ठीक है रखो अम्मा तो पूजा तो जो धोबी रहा उसी खाता आ गया कपड़े लेने तो आ गए तो मतलब आए तो कहा कहीं क्या चप्पल मारे जाए मोहल्ला में बता रहे आई तो कहीं कि अम्मा वो तो भूखा रहा या तो पूजा की नहीं आता तो आज पता है लिट्टी तो लिट्टी खा ली तो जाए के आटा पानी के अब बड़ी परेशान नाचारी बेचारी फिर उतर गवा अब परेशान और उनके बच्चा रहे तब मैं सोचा थी कि लाओ शाम तो फिर टर गवा अब अम्मा बहुत रोवा थी बेचारी साथ की हम कहा कही कौन जतन करी थी ये जो ना कुछ फिर एक दिन कहे तू बच्चा तुम हमारे लगे स्कूल अब सदर में 4 बजे हम नौत दी अब मतलब एक दिन कहे अब 4 बजे मेरे रुक गया आई थिंक अब तू हमारे लगे सुओ मैंने कमरे में ना जाए तू हमारे लगे सुओ जब हम उठा तो उठी एकदम साथे बगले सो आए तो जब उठी भैया कुछ ना परेशान हम देखे भूख लगे बहुत लोग हम नहीं सोचती नहीं कि हमको ये करना वो करना तो अब ये उठी तो बूढ़ा इधर गाठी बांधे रहे अम्मा बांधे है कि इनका हम कुछ खाए कमरा में कुछ ना रखी कुछ खा लिया है उठी और 9 दिन पल्लव है रखिए थे और काल आई 4 बजे आई बजे हमारे पतिया खा लिया थी तो फिर तभी जल्दी जल्दी कहना हटे ना जी उन कपड़े साथे नहुआ कपड़े साथे उतरी है उतरी तो फिर मोहल्ला का मेरे को सवारी जाना चाहिए पतिया खा लिया था तो कहीं चलो तो फिर चलो जाओ चप्पल मारानी पूजा प्रसाद खबर अब भैया आई तब तो बैठ गई अब इनके भूख खूब लाल हुआ अब कहा तो देखा था पेड़ा वाला लेकिन बूढ़ा इनके हाथ पकड़े रह गई कभी ना जब पूजा करके रही है भगवान के तब वही लागे तो साथे कहीं ले सुखा ले पेड़ा ले आ ले कर मारा पूजा माने जा वो खुश हो जाऊ तू अब भैया तो वही लागे पूजा भर उनका साथे साथे पकड़े रही तो वही बरसात खाई गई वही के दूसरा अगले महीना में उनके सुनाई पड़ा कि लड़का आपके प्रधान चम्मा कहे नहीं है जो ना हाँ इसी में तो बस तुरंत उनके रह गया फिर वह चटपट मारानी अब इतनी खुश हो गई पतैया उनका कि वह हर सुकवर पर मार कर चटपट मारानी छू जाता है अब साफ उनके इतनी सुनारे हमार पतैया जाना अब हम भगवान का पूजा कर बहुत लोगों बहुत ये रहता भगवान का ऐसे भगवान सबको करे